तो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लोग गा रहे थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, अभी जो उनके पार्टी का जो है नेतृत्वकर्ता कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही ना निकले सारे लोग हैं, 28 दल आज शामिल हैं। इस बात की गारंटी है कि 24 में सफाया इंडिया के द्वारा ही भाजपा का होगा। ये सब बात प्रेशर पॉलिटिक्स बैठक कोई कर रहा है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर, इन तमाम सवालों को आज हम जानेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। लालू प्रसाद यादव पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं और आरक्षण की बात हो रही है, मृत्युंजय तिवारी हैं। आरक्षण की बात भाजपा के लोग अब कर रहे हैं और भाजपा का लोग क्या करेगा आरक्षण की? ये सबको पता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लोग कह रहे थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, अभी जो उनके पार्टी का जो है के विश्वविद्यालय से ही ना निकले सारे लोग हैं। नहीं, आरक्षण की बात अब कर रहे हैं भाजपा के लोग, ये तो हम कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं करते हैं आरक्षण की, इसीलिए हम कह रहे हैं। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी की जीत हुई ना, बैकफुट पर आ गई भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर। ये तो हमारी पार्टी की, हमारे नेता की USP रही है कि हम गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक और हकूक़ की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग किसी प्रकार की कोई बैठक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बड़ी बैठक उन्होंने बुलाया है अपने एक अनिवार्य के आवास पर, प्रखंड अध्यक्ष जो हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है RJD पर ये दबाव है? सभी पार्टी जब चुनाव नज़दीक आते हैं सब लोग बैठक करते हैं। देखिए, हमारा तो बैठक रोज चल रहा है, आज भी चल रहा है। नहीं, ऐसा कहा गया है कि नीतीश कुमार जब इस तरीके की बैठक करते हैं तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। क्या प्रेशर है? प्रेशर पॉलिटिक्स का कहाँ सवाल, जब आप देख रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता में अहम भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की रही है, और इसकी सफलता विपक्षी एकजुटता की है कि 28 दल आज शामिल हैं। इस बात की गारंटी है कि 24 में सफाया इंडिया के द्वारा ही भाजपा का होगा। तो ये सब बात प्रेशर पॉलिटिक्स बैठक कोई कर रहा है, इधर उधर की बात, इसका कोई मायने मतलब है? अब BJP वालों को इस कदर भय समाया है, इतना भयभीत हो गए हैं, अब रोज़ ऊठ पटांग उल जलूल बात करते हैं। भाई, असली मुद्दे पर बात ही नहीं करते, ना इनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई तथ्य है, ना सरकार से सवाल करने का कोई इसके पास, विपक्ष का जो धर्म है वो निभाए, लेकिन इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है चारों तरफ से, इसलिए ये सब बात करना बेईमानी। लेकिन आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? हमारा गठबंधन एकदम चट्टान की तरह, आप देख रहे हैं कि यहाँ महागठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन का स्वरूप 28 दलों का। आपके प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आदरणीय जगदा बाबू जी ने जो बातें कही है उसको कोई तोड़ मड़ोड़ कर अगर दिखा रहा है, कल भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं, ये गोडसे वाले क्या ज्ञान देंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, हे राम को मानने वाले, ये लोग उन्माद, फसाद, नफरत, झगड़ा कराने वाले लोग, ये ज्ञान देंगे। JDU को आप कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? JDU वाले ने कहा ये बात? भाई, JDU वालों ने कहा तो उनको पूरी बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है जिसको लेकर विवाद हो, इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़े करती है, ये दंगाई उन्मादी लोग क्या सवाल खड़े करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ है RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, थे ब्रिज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।